गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और इसमें हमें कन्वर्ट करना है रेडियंस टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियंस। एंगुलर मेजरमेंट है तो हमें मालूम होता है पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो वन रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, 180 बाई पाई, और 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियंस हो जाएगा। ठीक है, पाई बाय 180 रेडियंस, ये इसके साथ इधर आई और ये इधर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो इजी, आपको दे रखा है 25 डिग्रीज। डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करना है रेडियंस में तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, पाई बाय 180 से, राइट। 5 से चले जाएगा ये, 5 5 25 5 36, तो इज इक्वल टू 5 पाई बाय 36। पाई को रिजॉल्व नहीं करेंगे, पाई को ऐसे दिखा रहे नहीं देंगे, बिकॉज इट डिनोट्स कि ये भाई रेडियंस में है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं, -47 degrees 30 minutes। तो पहले तो हम इसे डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें टोटली, बिकॉज हमें पता है कि ये तो डिग्री और मिनट में लिखा हुआ है, तो पूरे डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -47 degree तो लिखा हुआ है, +30 minutes। 30 minutes का मतलब हुआ कि 30/60 degrees। ठीक है ना, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ -47.5 degree हो गया। और अगर अब इसे देखें, इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दें इम्प्रॉपर में, तो या तो आ जाएगा -95/2 degrees। अब ये क्वेश्चन हो गया, -95/2 को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियंस में, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो कॉमन आएगा उसे सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास 5 से चले जाएगा 5 19 5 36, तो ये आ गया -19 5/72 radians। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, 240 डिग्रीज है, तो 240 डिग्रीज को अगर कन्वर्ट करना है तो ये जाएगा 240 × π/180। कैंसिल हो सकता है तो कर दीजिए, 4/3 6 4 24, तो ये आ गया 4π/3। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, 520 degrees। तो 520 degrees को क्या अलग ट्रीट थोड़ी करना है, ट्रीटमेंट तो सबका एक जैसा ही होगा। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 9 2 26 इज इक्वल टू 26 पाई बाय 9 रेडियंस आ गया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। और रेडियन को पाई को 22/7 लेना है, क्योंकि पाई अभी कहाँ पे आएगा, डिनोमीटर में आएगा, तो उसे रिजॉल्व कर लेंगे। तो रेडियन देखें पहली चीज तो यहाँ पे, कि यहाँ पे सी नहीं लिखा हुआ है, सर्कुलर स्केल नहीं लिखा हुआ है, कोई स्केल नहीं लिखा हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट रेडियंस में होता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको सिर्फ एंगल दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट किस में हुआ है, रेडियंस में। ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं एग्जाम में भी कि ये क्या, इसका मेजर क्या है। ओके, नाउ कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 11/16, हमने कहा कि ये जो 11/16 लिखा हुआ है रेडियन में है, इस रेडियन को कन्वर्ट करना है हमें किस में, हमें कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो कन्वर्ट करने के लिए डिग्रीज में 180/π कर दीजिए, और पाई उसने बोला है कि 22/7 लेंगे, तो 11/16 × 180 × 7/22। ठीक है,
इसे सॉल्व कर लीजिए, इसको काट पीट करके सब कुछ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 315/8, ये डिग्री आया। अब ये डिग्रीज टोटल डिग्रीज में तो नहीं रहेगा, हमें तो सर डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स में देना पड़ेगा आंसर को। तो पहले से देख लें कितना आ रहा है, 39 होल प्लस 3/8 डिग्रीज आ रहा है। तो ये फ्रैक्शन आ गया, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, तो 3/8 डिग्रीज कितना हो गया, 3/8 डिग्रीज का सिंपल सा मीनिंग हुआ 3/8 × 60 मिनट्स। ठीक है, अब 60 मिनट्स से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू कुछ, फिर कोई फ्रैक्शन बच जाएगा क्या, ये देख लेते हैं। तो 4 2 8 4 15, तो दैट मीन्स ये वैल्यू तो हो गई हमारे पास 45/2 मिनट्स। इसको हम लिख सकते हैं 22 मिनट्स प्लस हाफ मिनट। अब हाफ मिनट को दोबारा सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हाफ मिनट का मतलब हाउ मेनी सेकंड्स, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हाफ मिनट का मतलब ये हुआ कि हाफ इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 30 सेकंड्स। तो ये हो गया 30 सेकंड्स। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 29 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। तो आंसर यहाँ लिख देते हैं, आंसर क्या आ गया, 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, -4। तो -4 तो हमें किस में दे रखा है, रेडियंस में दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 185 पाई, पाई नीचे आएगा तो 7/22 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, काट पीट के जो भी आएगा ये आ जाएगा -22 9/11 डिग्रीज। ये डिग्रीज में आ गया, ठीक है। तो इसे फिर कन्वर्ट करना है, तो -229 तो आपके पास है पहले से, ये 229 डिग्रीज है, प्लस जो 1/11 डिग्रीज था इसे हम कन्वर्ट कर दें किसमें, मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 5 मिनट्स प्लस 5/11 मिनट्स। ठीक, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी हमारी 27 सेकंड्स। तो जो हमारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में इतने तो डिग्री आ गया, 5 मिनट्स आ गया एंड 27 सेकंड्स आ गया, ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर आ गया -229 डिग्रीज 5 मिनट्स एंड 27 सेकंड्स। ठीक है, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं इसमें। थर्ड पार्ट देख लिया इसका, थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 5π/3। तो ये तो हमारे पास रेडियंस में है, रेडियंस को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, 22/7। तो 5π/3 × 180 × 7/22। अरे ये तो पाई है ही है यहाँ पे, सॉरी, राइट। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये 60 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 300 डिग्रीज, ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, ये अगेन 7π/6 रेडियंस है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको किससे, 180 बाय पाई से, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास कितना, 210 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन हैं सारे। अ व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट,
थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन वन सेकेंड, वन सेकेंड में कितने रेडियंस टर्न करेगा वो, वन सेकेंड की बात हो रही है। तो सॉल्यूशन, वन मिनट में कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, 360 रेवोल्यूशंस। तो पहले तो हम वन सेकेंड की बात कर लें, वन सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस होंगे, 360 अपॉन 60, सिक्स रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो सिक्स रेवोल्यूशंस हो गए, तो इन वन रेवोल्यूशन अगर हम एक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इन वन रेवोल्यूशन हाउ मेनी रेडियंस, 2π रेडियंस। तो सिक्स रेवोल्यूशंस में कितना हो जाएगा, 6 × 2π, दैट इज इक्वल टू 12π रेडियंस। ये हमारा आंसर आ गया, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर देखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ द एंगल सबसेंटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल 100 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। अच्छा जी, सो वी आर हैविंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 100, और जो एंगल सबटेंडेड है बाय एन आर्क, और आर्क की लेंथ हमें दे रखी है, आर्क की लेंथ, दिस लेंथ इज गिवन टू अस, एंड व्हाट इज दिस लेंथ, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें एंगल पूछा है किसमें, डिग्रीज में, थीटा डिग्री में पूछा है। तो पहले तो थीटा हमारा रेडियंस में निकलेगा, तो हमारे पास तो फॉर्मूला पता है हमें, वी नो एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर का लेंथ क्या दे रखा है, 22, इज इक्वल टू रेडियस है मालूम है 100 × थीटा, ठीक है। तो थीटा आ गया 22/100, ये तो रेडियंस में आता है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π कर देंगे, तो पाए को ले लेंगे 22/7, तो ये आ गया 22/100 × 180 × 7/22, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, ठीक है। 2 5 10, 2 9 18, और कुछ, तो ये आ गया 63/5, तो इज इक्वल टू 63/5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, और 3/5 degrees, ठीक है। 3/5 degrees को कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में, तो 12 degrees + 3/5 × 60 कर दीजिए इसको, ये आ गया 12, that is 30, इतने मिनट्स, तो रिजल्ट क्या आ गया, 12 degrees 36 minutes, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40, तो एक सर्कल दिया हुआ है हमको, वी आर गिवन अ सर्कल एंड डायमीटर इज गिवन टू अस, डायमीटर दे रखा है हमको कितना, इट इज 40, तो इसका रेडियस डेफिनेटली 20 है, ठीक है ना, इसका रेडियस 20 हो गया, और एक कॉर्ड दिया हुआ है आपको, यू आर गिवन अ कॉर्ड, लेट अस से वी आर हैविंग अ कॉर्ड ओवर हेयर, तो ये कहता है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 है,
तो लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 है, रेडियस भी 20 है, तो ये तो रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये हो गया, तो इसका मतलब ये तो इक्वेटोरियल ट्रायंगल हो गया, और हमें एंगल मिल गया, ये कितना मिल गया 60 डिग्रीज। तो थीटा हमें कितना मिल गया 60 डिग्रीज, हमें तो इसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 × π/180 राइट, ये आ गया π/3 रेडियंस। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी है, इस आर्क की लेंथ पूछ रहा है वो, तो ये तो एस होता है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर का वैल्यू क्या हो गया, आर तो रेडियस हो गया इंटू थीटा कितना हो गया π/3, तो ये रिजल्ट आ गया 20π/3। ठीक है, ये आंसर है। इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड इन एंगल 60 डिग्री एंड 45 डिग्रीज एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो दो सर्कल हैं, टू सर्कल्स विद रेडियस R1 एंड रेडियस R2, और जो एंगल बीच में आ रहा है θ1, एक में दे रखा है 60 डिग्रीज और दूसरे में दिया हुआ है हमको 75 डिग्रीज। ठीक है, तो किसी रूल को बाईपास नहीं करेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिए, कुछ रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा, बड़े से लिख लेते हैं 60 × π/180 और से लिख लेते हैं 75 × π/180। ठीक, अब ये कह रहा है कि एस सेम है, सेम एस, तो अगर एस सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2 राइट, एस इज कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब R1 upon R2 इज इक्वल टू θ2 upon θ1, तो R1 upon R2 इज इक्वल टू θ2 upon θ1, θ1 कितना है 60 × 180 by π, ये तो कैंसिल हो जाना था पहले, पता था, बट हम रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे, एग्जाम में मार्क्स भी चाहिए पूरे पूरे, तो 5/4, तो ये रेशियो आ गया। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75। तो पेंडुलम की लेंथ दे रखी है हमको, एक ये हो गया, पेंडुलम की लेंथ दे रखी है 75, तो अल्टीमेटली ये 75 है और पेंडुलम स्विंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो इसमें बार बार हमसे क्या पूछ रहा है, अभी ये क्या पूछना चाहता है, फाइंड द एंगल इन रेडियंस, ये एंगल थीटा पूछना चाह रहा है हमसे डिफरेंट प्लेसेस पे, व्हेन इट डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, तो आर्क की लेंथ दे रखी है, पहले केस में तो ये है 10, सेकंड में है 15, थर्ड में 20, मतलब तो तीन पार्ट हो गए अल्टीमेटली। तो फर्स्ट पार्ट में एस इज गिवन एस 10, सेकंड में एस का वैल्यू 15 है और थर्ड में एस का वैल्यू कितना है 21। तो फर्स्ट में एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर तो 75 हो गया, 75 × θ, सेकंड में भी ये 75 × θ और थर्ड में ये 75 × θ, तो फर्स्ट पार्ट में थीटा का वैल्यू कितना आ गया 10 upon 75, 10 upon 75, तो ये तो आ गया 2 upon 15, क्या आया ये तो रेडियंस में आ गया बाय डिफॉल्ट। सिमिलरली सेकंड में भी थीटा क्या आया, ये 1 upon 5 आ गया, 1 upon 5 रेडियंस। थर्ड केस में क्या आ गया थीटा, 21 upon 75 आ गया,
ठीक है, तो 3/7 अपॉन 25 रेडियंस।